हेलो फ्रेंड्स, मैं राम गोपाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज कैथल। आज मैं आप सभी का इस ई लर्निंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। और आज जो मेरा टॉपिक रहेगा डिस्कशन का, वो है इनकोटर्म्स 2010। जो ये आज का टॉपिक है, ये बेसिकली बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए, बीबीए स्टूडेंट्स के लिए, एमकॉम स्टूडेंट्स के लिए, एमबीए स्टूडेंट्स के लिए, एमआईबी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रहेगा, क्योंकि जहाँ जहाँ पर इंटरेस्टेड बिजनेस, इंटरेस्ट मार्केटिंग, ट्रेड, एक्सपोर्ट, प्रोसीजर डॉक्यूमेंटेशन का जिक्र होता है किसी बुक में, किसी सब्जेक्ट में, तो वहाँ पर हमारा जो ये टॉपिक है बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, इसके वहाँ स्टडी होती है। तो आज का हम अपना ये जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इनकोटर्म्स 2010। तो ये बेसिकली जो इनकोटर्म्स हैं, ये शॉर्ट फॉर्म होता है इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स के लिए, जो पहली बार यूज किया गया था 1936 के अंदर इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स पेरिस में, और उसके बाद ये दो तीन बार इसको अमेंडमेंट भी की गई है 1980, 1990 और 2000 के आसपास। ये अमेंडमेंट इसलिए है क्योंकि जो इंटरनेशनल सेल्स के टर्म्स थी, उनको हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से सुसंगत बनाना था, कि हमारा उनसे संगत रहे, बना रहे, जिससे हमारा अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड या बिजनेस के अंदर कोई कंफ्लिक्ट पैदा ना हो, आइदर सेल परचेज के अंदर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर। तो उसके बाद जो टर्म्स थी वो 13 थी इस टाइम पर, लेकिन जो 2000 के बाद 2011 में जिनको 2010 बोलते हैं हम इनको टर्म्स, उसके अंदर की संख्या घटाकर 11 कर दी गई। तो आज जो हम स्टडी करेंगे वो इनको टर्म्स 2010 है, जिसके अंदर हमारी 11 टर्म्स का जिक्र है। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारा है कि इंटरनेशनल जो इनको टर्म्स होती है, ये इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स होती हैं, जिनका यूज बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर, सेल्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होता है, कि जिससे विभिन्न देशों के अंदर जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है तो वो किसी एक टर्म पर सहमत हो जाएं और उनके बीच भविष्य में किसी प्रकार का कोई कन्फ्लिक्ट पैदा ना हो। तो जब पहली बार अभी बताया मैंने 1936 के अंदर इनको यूज़ किया गया था, उसके बाद ये अमेंडमेंट हो रहा था, और ये अभी जो प्रेजेंटली हमारे पास है लेटेस्ट है वो 2010 के इनको टर्म्स हैं जिनको हम स्टडी कर रहे हैं। और इसके अंदर जो हम स्टडी करते हैं बेसिकली, वो हमारे जो बोथ पार्टीज हैं, एक्सपोर्टर इम्पोर्टर, उन दोनों पार्टीज के हम ऑब्लिगेशंस और उनके रिस्क की स्टडी करते हैं, कि किस पार्टी का ऑब्लिगेशन कहाँ तक होगा, रिस्क कहाँ तक किसको ट्रांसफ़र होगा, गुड्स की डिलीवरी कैसी होगी, उसके अंदर इंश्योरेंस, फ्रेट और ड्यूटी कौन पेमेंट करेगा, इसी के ऊपर सारी जो इनको टर्म हमारी इनको टर्म्स होती हैं वो स्टडी करते हैं। तो जो ऑब्लिगेशंस होते हैं वो स्टार्ट होते हैं हमारे एक्सपोर्टर टू इम्पोर्टर, कि एक्सपोर्टर जब डिलीवरी करता है इम्पोर्टर को, तो वो कहाँ कहाँ पर, किस स्टेज पर उसको डिलीवर हैंड ओवर करता है, उनके जितने खर्चे होते हैं उनको कौन वहन करता है, आज तक इंश्योरेंस है, चाहे कॉस्ट है, फ्रेट है, ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, जो भी खर्चे होते हैं, तो सभी खर्चों का बंटवारा पहले से होता है जिस भी टर्म पर दोनों पार्टी साइन करती हैं। लेट्स लेट प्रोसीड फर्दर। तो इसके अंदर हमारा क्या क्या चीज होती है, पहला होता है डिलीवरी की टर्म्स, कि डिलीवरी हमने किस डेस्टिनेशन पे, किस जगह पर, हमने किस पॉइंट पर डिलीवर करना है, एक्सपोर्टर टू इंपोर्टर, तो दोनों से हम तो जाते हैं कि हमने एट द फैक्ट्री प्लेस से करना है, कैरियर पे करना है, किसी रेलवे ट्रैक पे करना है, जहाज पे, तो या फिर उसकी जो पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन है जहाँ पे पहुँचाना है, या प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन है, तो जहाँ भी होता है तो डिलीवरी की पहले से ही टर्म को डिसाइड करते हैं। उसके बाद हमारा आता है जो रिस्क होंगे उनको कौन कौन कहाँ पर वहन करेगा, चाहे लोडिंग के हों, उसके अंदर चाहे अनलोडिंग के हों, कोई ड्यूटी पेमेंट हो या अदर हो, इंश्योरेंस हो, तो सारे इसका बंटवारा पहले जाता है जिसके हम साइन करते हैं किसी भी टर्म के ऊपर। उसके बाद है जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, फ्रेट होता है और आपका जो कैरियर का भाड़ा होता है, कैरिज होता है, उसको कौन सी पार्टी किस जगह पर किसको ट्रांसफ़र करेगी और कौन वहन करेगा, तो इसके अंदर बेसिक ये चीज़ें डिस्कस होती हैं। तो आगे हम नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए ये जो चार्ट है बड़ा सिंपल चार्ट है, जिसके अंदर दिखाया गया है कि हमारी जो इनको टर्म्स होती हैं, जो मैंने 11 यूज कर रहे हैं, वो कैसे ऑपरेट होती हैं, कैसे चलती हैं, वो एक्सपोर्टर टू इम्पोर्टर जो डायग्राम दिखाया गया ऊपर वाला जो पोर्शन है वो हमारा बेसिकली सी वाटरवे से है, कुछ नीचे वाला हमारा वो लैंड वे से है, जो हम बाई लैंड करते हैं इसको,
वैसे इसके अंदर डिस्टिंक्शन नहीं होता है, हम इसको फ्लैटली स्टडी करते हैं, लेकिन थोड़ा दिखाया गया है बताने के लिए कि हम जो ये टर्म्स हैं ये हमारी वाटरवेज में होती हैं, जो हमारी टर्म्स हैं ये बेसिकली हमारी लैंड में होती हैं, जब हम बाय लैंड या बाय रोड से हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। देखिए जो पहली टर्म है इसके अंदर दिखाया गया कि एक्स वर्ड से है, जो फैक्ट्री से माल लेके चलते हैं, यहाँ पे इंपोर्टर आता है, यहीं से माल लेके जाता है। नेक्स्ट टर्म है, इनको वैसे हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे, ये सिर्फ बताने के लिए कि हमारा ऐसा चार्ट होगा। फ्री कैरियर है, जो कैरियर में फ्री होता है, उसके बाद कैरियर से फिर अलोंगसाइड शिप होता है, फिर फ्री ऑन बोर्ड होता है, उसके बाद हम डायरेक्टली यहाँ पे आते हैं FCA, फ्री कैरियर से CPT कैरियर पे टू होता है, उसके बाद CIP कैरियर एंड इंश्योरेंस पे टू, DAP डिलीवर्ड एट प्लेस, ये हमारा बेसिकली होता है लैंडवे से। और जब हम चलते हैं वाटरवे से तो हमारा FOB के बाद DAP होता है डिलीवर्ड एट टर्मिनल, CFR होता है कोस्ट एंड फ्रेट, एंड CIF होता है कोस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। तो इस तरीके से हमारा कोई भी जो माल होता है एक्सपोर्टर से इंपोर्टर की तरफ जाता है, और जो बीच में ऑब्लिगेशन और रिस्क होते हैं वो एक दूसरे को ट्रांसफर होते हैं, चाहे डॉक्यूमेंट्स का हो चाहे आपके गुड्स का हो, तो वो दूसरे को जिस भी पॉइंट पर जिस कंडीशन पे ट्रांसफर होंगे वो हमारी इनकोटर्म्स डिटरमिन करती है। नेक्स्ट, तो ऐसे हम बंटवारा करते हैं दोनों पार्टीज के अंदर, आइदर जो ऑब्लिगेशन है उनके कोस्ट है रिस्क है उनको हम, कि कौन सी पार्टी किस जगह से लाइसेंस एक्वायर करेगी, इंस्पेक्शन कौन करवाएगा, लोडिंग अनलोडिंग सारे चार्जेस के बारे में पहले से डिसाइड होता है। ये नेक्स्ट उसी का पॉइंट है, इसमें कोस्ट क्या डिसाइड होता है, कोस्ट में चाहे कि पैकिंग कोस्ट हो, मार्किंग कोस्ट हो, इंस्पेक्शन कोस्ट हो, नोटिसेज होते हैं चाहे किसी गवर्नमेंट से उसको क्लियर करना होता है, प्रूफ ऑफ डिलीवरी, ट्रांसपोर्टेशन डॉक्यूमेंट्स कैसे किसने बनवाने हैं, कहाँ पे किसको डिलीवर करने हैं, चेकिंग पैकिंग मार्किंग इंस्पेक्शन पेमेंट, ये सारा हर एक जो आपकी टर्म होती है उसमें पहले से डिटरमिन होता है कि कौन सी पार्टी का कहाँ पर ऑब्लिगेशन क्रिएट होगा और कौन सी पार्टी रिस्क को टेक ओवर करेगी। नेक्स्ट, लेट अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली जो हमारी इनको टर्म है फर्स्ट से लेके जो आपकी लास्ट टर्म है। पहली हमारी है एक्स वर्क, ये सबसे बेसिक पहली और सबसे सिंपलेस्ट आपकी टर्म होती है एक्स वर्क, इसको एक्स फैक्ट्री बोलते हैं। इस टर्म के अंदर जो मैक्सिमम ऑब्लिगेशन होता है वो इंपोर्टर का होता है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर के प्रीमिस पर आता है, उसकी फैक्ट्री गेट पर आता है और वहाँ से गुड्स की डिलीवरी लेता है अपने आप। इसका मतलब ये है कि जितने भी खर्चे होंगे, जितने भी उसका रिस्क होगा, सारा आपके इंपोर्टर का होता है, टोटली ऑब्लिगेशन इंपोर्टर पर होता है, सारे रिस्क इंपोर्टर के होते हैं, क्योंकि वो उसकी गेट पर आया हुआ है, वहाँ से माल की वो डिलीवरी लेगा और जितने भी आगे के फर्दर आपके एक्सपेंसिस होंगे सारे वो पेमेंट्स खुद इंपोर्टर करता है। नेक्स्ट, फ्री कैरियर, ये पहली जो हमने पढ़ी है कि वो एक्स वर्क फैक्ट्री पर आता है। दूसरा होता है कि जब हमारा इंपोर्टर फैक्ट्री गेट पर नहीं आता है या एक्स वर्क जो कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं करता, तो हम क्या करते हैं कि जो इंपोर्टर ने कंडीशन रखी कि मैं उस कैरियर पर आपसे डिलीवरी लूँगा, तो जो एक्सपोर्टर होता है वो इंपोर्टर को उस कैरियर तक माल लोड करके देता है, जो पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन उसका, सॉरी जो पॉइंट ऑफ उसका डिलीवरी होता है, उस तक जितने भी खर्चे होंगे वो सारे आपका एक्सपोर्टर करता है, और डिलीवरी लेने के बाद जैसे वो कैरियर में उसको हैंड ओवर कर देगा उसके बाद के खर्चे या ऑब्लिगेशन रिस्क होंगे वो इंपोर्टर के होते हैं। नेक्स्ट, ये है फ्री अलोंगसाइड सिंग। अब हमने उसको कैरियर में फ्री करने के लिए कहा था, कई बार होता है कि जो इंपोर्टर होता है वो चाहता है कि मुझे माल की डिलीवरी अलोंगसाइड सिंग, जो पोर्ट ऑफ शिपमेंट है वहाँ पर जो जहाज खड़ा है उसके पास अलोंगसाइड सिंग मुझे मिले वहाँ पर डिलीवरी। तो फैक्ट्री से लेके कैरियर के और जो अन्य जो छोटे टैक्सीज या कोई ड्यूटी होगी वो सारे पेमेंट आपका एक्सपोर्टर करता है, और जब तक वो पॉइंट ऑफ शिपमेंट जो पोर्ट ऑफ शिपमेंट है माल वहाँ तक नहीं पहुँच जाएगा अलोंग साइड सिप, तो तब तक के खर्चे एक्सपोर्टर के होंगे, और जब वो आपके अलोंग साइड सिप हम माल को रख देंगे उसके बाद के जो खर्चे होंगे या ऑब्लिगेशन होंगे रिस्क होंगे वो इम्पोर्टर के होंगे। नेक्स्ट, फ्री ऑन बोर्ड, देखिए जो ये टर्म है ये मोस्ट वाइडली यूज टर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर, जितने भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं हर एक कंट्री में इसी टर्म के ऊपर ही कस्टम ड्यूटी को कैलकुलेशन करते हैं जितनी भी कंट्रीज होती हैं। ये सबसे ज़्यादा
एक्सेप्टेड टर्म होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसी के ऊपर सारी गवर्नमेंट्स रिलाई करती हैं, सभी इसको ऑथेंटिकेट मानते हैं, और मोस्टली जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर वो एफओबी के ऊपर होते हैं, फ्री ऑन बोर्ड। इसमें होता है कि जो एक्सपोर्टर होता है वो माल को जो बोर्ड ऑफ शिप होता है उसके ऊपर वो माल को रख देता है, जो शिप उसने बुक द्वारा रखा है आपके एक्सपोर्टर ने उसके ऊपर माल रखेगा, और वहाँ तक रखने के जितने भी खर्चे होंगे, जो जहाज के बोर्ड के ऊपर रखने के जितने भी खर्चे होंगे सारे एक्सपोर्टर वहन करेगा वहाँ तक कि आइदर अनलोडिंग के हैं। तो उसके बाद जब जैसे ही माल हमारा जहाज के बोर्ड पर लग जाएगा उसके बाद जो ऑब्लिगेशन ट्रांसफ़र हो जाएगा एक्सपोर्टर टू इम्पोर्टर, और रिस्क आगे का जो होगा चाहे मैरून इंश्योरेंस का हो चाहे कुछ भी हो, उसके बाद वो क्रिएट होगा इम्पोर्टर के लिए। नेक्स्ट, ये कॉस्ट एंड फ्रेट, इसमें डिसाइड होता है कि जो माल की कॉस्ट है चाहे पैकिंग की है, मार्किंग की है, या उसकी अनलोडिंग की है, जो भी है, तो सारी जो कॉस्ट होगी और साथ में जो फ्रेट होगा, फ्रेट अप टू द पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन, तो सारा वहन करेगा एक्सपोर्टर। अभी हमने बीच को इसमें छोड़ दिया, जो इंश्योरेंस है वो नेक्स्ट में आएगा, क्योंकि बीच में हम डिस्कस कर रहे हैं अभी कि जो माल की कॉस्ट है उसका फ्रेट है अप टू द पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन, वो सारा एक्सपोर्टर वहन करता है। तो यहाँ पे ये डिसाइड होता है पहले से ही कि जब तक आपका माल पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँच जाएगा जहाँ तक इम्पोर्टर ने उसको कह रखा एक्सपोर्टर को, तब तक के जितने खर्चे होंगे जितने में उसमें से आपका इंश्योरेंस अलग हो जाएगा, क्योंकि इंश्योरेंस का भी जिक्र नहीं हुआ है, तो अन्य जो खर्चे होंगे ऑब्लिगेशन होंगे वो सारे एक्सपोर्टर के होंगे, उसके बाद इम्पोर्टर के रिस्क और ऑब्लिगेशन क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। अब एक्चुअल में अब होता है कि जो कॉस्ट होती है और जो इंश्योरेंस होता है, मैरीन इंश्योरेंस है जो मिनिमम कवरेज के लिए करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, जो माल की मिनिमम कवरेज के लिए, और जो फ्रेट होता है वो सारा वहन करना पड़ता है एक्सपोर्टर को। एक्सपोर्टर द पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन तक उसकी कॉस्ट प्लस इंश्योरेंस प्लस फ्रेट, उन तीनों को वहन करेगा, और इंश्योरेंस के अंदर जो मिनिमम इंश्योरेंस कवरेज होगा उसी को वो एक्सेप्ट करता है, और यहाँ तक की जो पेमेंट होगी सारे एक्सपेंसेस ऑब्लिगेशन की सारी वो एक्सपोर्टर की होती है। उसके बाद जैसे ही वो पहुँचेगा डेस्टिनेशन पर उसके बाद हैंड ओवर कर देगा इम्पोर्टर को, तो नेक्स्ट ऑब्लिगेशन इम्पोर्टर के क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट, CPT कैरिज पेड टू। अभी होता है जो माल है एक्सपोर्टर से इम्पोर्टर के डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुँच चुका है, तो उसकी बंदरगाह है जहाँ भी मंगवाया था वहाँ पे माल उतार दिया है, उसके माल उतारने के बाद वो कोई कैरिज लेके आता है, कोई कैरिज हम करते हैं, उस कैरिज में माल लादने तक का वो कैरिज पे टू, उस कैरिज जो नेक्स्ट हम कैरिज करेंगे आइदर ट्रक जो भी है उस तक का जो खर्चा होगा, तो वो सारा खर्चा एक्सपोर्टर वहन करता है, क्योंकि जिस जहाँ तक उसने मांगा हुआ है, जिस पॉइंट पर उसने मांगा हुआ है वहाँ तक हमें कैरिज करना पड़ेगा कोई ना कोई, तो कैरिज भी एक्सपोर्टर पेमेंट करता है इंक्लूडिंग इंश्योरेंस रेट जितना हमारा अभी तक हो चुका है। नेक्स्ट, कैरिज एंड इंश्योरेंस पेड टू। इसमें सिर्फ ये अलग से होता है कि जो इंश्योरेंस हमारा जो कैरिज हमने पेमेंट कर दिया है और उसके साथ कैरिज एंड इंश्योरेंस साथ में जो इंश्योरेंस हम कराते हैं उस कैरिज का भी वहाँ तक माल का, तो वो इंश्योरेंस भी हमारा एक्सपोर्टर ही पेमेंट करता है जहाँ तक इम्पोर्टर ने मांगा हुआ है, जिस प्लेस तक मांगा हुआ है, जिस डेस्टिनेशन तक मांगा हुआ है, तो जो कैरिज होता है और कैरिज साथ में जो इंश्योरेंस होगा कार्गो का वो सारे का सारा एक्सपोर्टर वहन करेगा, इम्पोर्टर डिलीवरी लेने के बाद उसके ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाएंगे। नेक्स्ट, डिलीवर्ड एट टर्मिनल। यहाँ पे होता है कि जहाँ पर दोनों पार्टीज में एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर में जहाँ पे दोनों में सहमति बनी है कि मुझे इस टर्मिनल पर, टर्मिनल आपकी कोई भी वेयरहाउस हो सकता है, कोई भी उसका अलग से गोडाउन हो सकता है, कोई शॉप हो सकती है, कोई प्रेमिज हो सकता है, जहाँ पे उसने आपसे डिलीवरी के लिए पहले से ही तय कर रखा है, तो उस टर्मिनल तक के जितने भी खर्चे होंगे चाहे आपको कोई ऑटोरी भी पेमेंट करनी पड़ती है तो वो भी आपका एक्सपोर्टर पेमेंट करता है, तो ये आपका डिलीवर्ड एट टर्मिनल होता है जहाँ पर एक्सपोर्टर से इम्पोर्टर माल की एक्चुअल में डिलीवरी चाहता है। नेक्स्ट, डिलीवर्ड एट प्लेस। इसमें होता है कि जो प्लेस होता है एक्चुअल में जहाँ पर उसको माल को डिस्पोज ऑफ करता है, उसको असॉर्टमेंट करता है माल की उस टर्मिनल के बाद,
तो वहाँ तक के जितने भी खर्चे होंगे, जो प्लेस उसने मेंशन कर रखा है, उस प्लेस तक के जितने भी खर्चे होंगे सारे एक्सपोर्टर पेमेंट करता है। यहाँ पर जो कस्टम ड्यूटी भी होती है, कस्टम क्लियरेंस भी एक्सपोर्टर को क्लियर करना पड़ता है इस कंडीशन पर आके, इस शर्त पर आके। नेक्स्ट, और नेक्स्ट हमारा जो आता है डिलीवर ड्यूटी पेड, ये हमारा बेसिकली 11th और लास्ट हमारी इनकोटर्म है। इसमें जितने भी खर्चे होते हैं, मैक्सिमम ऑब्लिगेशन ऑफ एक्सपोर्टर, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि एक्सपोर्ट में इंपोर्टर जाता है एक्सपोर्टर के फैक्ट्री गेट पर, वहां से डिलीवरी लेके आता है। यहाँ पे क्या है, एक्सपोर्टर माल लेके इंपोर्टर के फैक्ट्री गेट पे, यहाँ पे उसके प्रीमिस पर आ चुका है। जितने भी खर्चे होंगे आपके, इंश्योरेंस कोस्ट, फ्रेट, उसके बाद जो कस्टम क्लियरेंस के बाद जो लोकल आपके टैक्स भी होंगे, तो सारे टैक्स भी आपके एक्सपोर्टर पेमेंट करता है। तो इस जो आपकी लास्ट जो डिलीवर ड्यूटी पेड है, इसके अंदर जितने भी टोटल खर्च एक्सपेंसेस होंगे सभी के लिए एक्सपोर्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। एक्सपोर्टर सारे ऑब्लिगेशन अपने ऊपर लेता है, सारा रिस्क एक्सपोर्टर का होता है। जो इंपोर्टर होता है वो माल की अपने देश के अंदर डिलीवरी लेता है ओनली, वहाँ पर जब उसको सारे खर्चे वो पेमेंट कर चुका होता है। तो ये हमने अभी जैसे स्टडी की है, 11 की 11 हमारी जो इनकोटर्म्स थी, हमने एक्सपोर्ट से लेके और डिलीवर ड्यूटी पेड तक की है, जिसके अंदर हमने उनके ऑब्लिगेशन, रिस्क और कॉस्ट का अभी हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया कि किस पार्टी को कहाँ पे डिलीवर होगा। तो मैंने इस पूरे पूरे जो इनकोटर्म्स हैं इनको चार्ट के द्वारा भी दिखाया है, जिस चार्ट के अंदर हमने उनके ऑब्लिगेशन को इंडिकेट किया है कि कहाँ कहाँ पर। जैसे शुरू में देखा एक्सवर्क से में क्या है कि इंपोर्टर वहाँ पर आता है पॉइंट पर और वहाँ के सारे खर्चे इंपोर्टर वहन कर रहा है, जो मैं रेड एरिया में दिख रहा है। उसके बाद सेकंड में जो कैरियर के खर्चे हैं वो इंपोर्टर करता है, उसके बाद के इंपोर्टर चले जाते हैं एक्सपोर्टर से। ये दिखा रहा है चार्ट पूरे पूरे कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से ऑब्लिगेशन रिस्क हैं, कब इंपोर्टर को ट्रांसफर होते हैं, पहले से लेकर और लास्ट में जब हम आते हैं तो पूरा ग्रीन हो गया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आके एक्सपोर्टर इंपोर्टर को एक्चुअल में डिलीवरी देता है और सारे खर्चों का वहन वो एक्सपोर्टर करता है, जबकि एक्सवर्क के अंदर सभी खर्चों और ऑब्लिगेशंस का जितना भी वहन होता है वो हमारा इंपोर्टर करता है। तो ये पूरा चार्ट दिखा रहा है कि किस तरीके से जो जितने भी हमारे ऑब्लिगेशन, रिस्क और आपके ड्यूटीज, आपके कस्टम कोई ड्यूटी होती है, सभी का पेमेंट कहाँ पर किस पार्टी को करना होता है और किसके ऑब्लिगेशन कौन सी पार्टी को कब ट्रांसफर होते हैं। तो इसके अंदर हमने आज जो देखा है पूरी इनकोटर्म्स की 11 टर्म्स में स्टडी की हैं, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय विपणन के अंदर बहुत ज़्यादा काम आती हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय हमारे विक्रय अनुबंध होते हैं, इंटरनेशनल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो वहाँ पर हमारी इनकोटर्म्स की बड़ी आवश्यकता होती है, क्योंकि इनके बगैर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो हमारा फुलफिल नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, हर एक कंट्री की कानून अलग होते हैं, उनके अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के नियम होते हैं, तो वहाँ पर फिर बड़ी दिक्कत आती है। तो उस करके है जो इंटरनेशनल लेवल पर जो इनकोटर्म्स है इनका वर्डिंग किया जाता है जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं। तो आज हमने इस लेक्चर के अंदर स्टडी किया है इनकोटर्म्स को, जो 2010 इनकोटर्म्स हैं, इसके अंदर जो हमने एक्सवर्क से लेके डिलीवरी ड्यूटी पेमेंट तक किया है। तो ये सारी जो हमारी इनकोटर्म्स हैं ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है हमारे एक्सपोर्ट के स्टूडेंट्स के लिए। तो मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको सरल शब्दों में और बिल्कुल सरल अवधारणा से समझाया जाए। मुझे उम्मीद भी है कि आपको समझ में भी आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। मैंने पूरा इसमें छोटा सा एक प्रयास किया अपना, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा भी लगा होगा। और साथ में दोस्तों, जो हमारा लेक्चर है, अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो 24 घंटे हमारा YouTube पर लेक्चर अवेलेबल है, आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमारे जो कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, उसका हम बड़ी खुशी से रिप्लाई करेंगे। दोस्तों आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना इतना वैल्यूएबल टाइम मुझे दिया। थैंक यू।